टाइम आता है लाइफ में कि अब तो इतना अचीव कर लिया, अब मतलब इसके बाद क्या, और वो बहुत खोखला कर देने लग जाता है अंदर से कि मतलब मुझे करना क्या है लाइफ में। आई एम श्योर आप में से भी बहुत सारे लोगों के माइंड में ये थॉट चल रहा होगा, यानी आप में से कितने ऐसे हैं जितना आपने सोचा था आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले कि यार इतना भी हो जाए तो बहुत है। आज आप यहां पर हो, उससे बहुत ऊपर हो, उससे बहुत ज्यादा है आपके पास जितना आपने सोचा था, लेकिन अभी भी कुछ मिसिंग है लाइफ के अंदर। मतलब सब कुछ मिल गया है लेकिन कुछ मिसिंग है, ऐसे कितने हैं यहां पर? बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो ऐसे में क्या किया जाए जब अंदर से ये आ रहा हो कि नहीं यार कुछ मिसिंग है लाइफ में? तो क्या करो, अपने साथ में थोड़ा सा टाइम बिताओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐसा अपना फिक्स कर लो कि साल में 5 दिन मेरे अपने लिए हैं। यानी उन 5 दिन में आप क्या कर रहे हो, कोई भी ऐसी जगह पे चले गए हो जहां पर आपको जाकर के अच्छा लगता है, लेकिन अकेले। अकेले मतलब अपना मोबाइल भी साथ लेकर के नहीं जाना है, लेके भी जाना है तो मेरे टाइप का वो जो होता है ना जिसमें टक 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 बस कुछ होता ही नहीं है इसके अंदर। मतलब बात तो कर सको, SMS कर सको, उसके ऊपर कुछ भी ना हो, और कहीं ऐसी किसी जगह पर रुक जाओ जहां पर टीवी भी ना हो, क्योंकि ये नहीं कि वहां पर बैठ करके आप टीवी देख रहे हो, वही सीरियल देख रहे हो, तो आप वहीं हो जहां पर आप थे, कुछ भी नया नहीं हुआ। तो वहां पर जस्ट लेट एवरीथिंग गो, इस थॉट को भी छोड़ दो कि मुझे क्या करना है क्या करना है क्या करना है। क्लटर्ड माइंड से जब भी आप कुछ सोचोगे तो कुछ क्लटर्ड ही निकल करके आएगा, तो पहले उसको डीक्लटर कर दो। और अब डीक्लटर कैसे होता है? एक होता है टेम्पररी डीक्लटर, वो कैसे होता है? आपने मेरे सेशन देखे, थोड़ी देर के लिए माइंड क्लियर हो गया, होता है ऐसा है? नहीं होता है। एकदम ऐसा लगता है कि अब तो लाइफ पूरी सॉर्ट आउट हो गई है, उसके अगले दिन फिर से अपनी औकात पता लगती है, फिर हम दोबारा वीडियो देखते हैं, और कभी ऐसा होता है कभी नहीं होता है। कुछ वीडियोस देखने के बाद ऐसा होती है फीलिंग, कभी नहीं होती, फिर हम उसी फीलिंग के लिए तड़पते रहते हैं जो हमको पता है शॉर्ट लिव्ड है, जो हमको पता है कुछ देर तक रहने वाली है। तो ऐसे में परमानेंट अगर इसको करना है तो कैसे करें, या मैं कैसे करता हूं, दैट इज अ क्वेश्चन, कि अपने माइंड को क्लियर कैसे रखता हूं। आई स्पेंड एटलीस्ट 2-3 आवर्स इन अ डे जस्ट विद माई सेल्फ, नो पर्सन, नो मोबाइल फोन, नो बुक, नो थॉट्स, जस्ट इन अ थॉटलेस स्टेट, इन सिंपल ऑब्जर्वेशन और वट एवर इज गोइंग ऑन, नॉट विद अ मोटिव टू चेंज समथिंग। हमारा यही मोटिव नहीं रहता है हमेशा, अंदर कुछ आ रहा होता है तो हम कहते हैं ये नहीं आना चाहिए, कुछ नहीं आ रहा होता जबरदस्ती आना चाहिए, यही नहीं चलता रहता सुबह से रात, और क्या चलता है बताओ? तभी माइंड हमारा क्लियरली सोच नहीं पाता है, क्लियरली चीजों को देख नहीं पाता है। तो उस वक्त आप क्या कर रहे हो, फोर्स नहीं कर रहे अपने माइंड को कि आंसर दो मुझे, सिर्फ उस क्वेश्चन के साथ ठहर गए, वट डू आई वॉन्ट फ्रॉम माई लाइफ, वॉट इज लाइफ, आंसर्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, यू नॉट फोर्सिंग योर सेल्फ टू गेट एन आंसर, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर तो वही अंदर से निकल करके आएगा जो निकलता आया है, जो आपको ऑलरेडी पता है। दोनों में फर्क देख पा रहे हो? देखो साइंटिस्ट किसको कहोगे, एक वो जिसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन भरी हुई है, उसी को बार 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 डिस्कवर किए चले जा रहा है, उसको डिस्कवरी कहोगे? वो क्या है, वो तो लेक्चरर हो गया ना, खुद को ही लेक्चर दे रहा है या दुनिया को लेक्चर दे रहा है, अंदर जो इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है उसी को रिपीट करता चला जा रहा है। साइंटिस्ट किसको कहोगे, डिस्कवर योरसेल्फ जिसकी आप बात कर रहे हो, खुद को डिस्कवर कैसे करें? तो डिस्कवर का एक्चुअल में मतलब क्या, कि हो सकता है आप कुछ ऐसे हो जो आप सपने में भी नहीं सोच सकते, दैट इज बियॉन्ड योर वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन, दैट इज नॉट ऑलरेडी देयर इन योर मेमोरी, जो भी ऑलरेडी आपको पता है उसी की वजह से तो सारी प्रॉब्लम हो रही है। तो हो सकता है डिस्कवरी का मतलब हो कुछ ऐसा आपको पता लगे जो आपको नहीं पता है। वंस यू लेट गो ऑफ एवरीथिंग, जब आपने सब छोड़ दिया है, आराम से चल रहे हो विद माइंडफुलनेस, तो वहां से कुछ निकल करके आने लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल किसी बीच के साइड में आप चल रहे हो नंगे पैर, और एकदम आवाजें आ रही हैं, यहां से लहरों की आवाज आ रही है, एक लहर आई और गई, आई और गई, वहां पे इंसाइट्स आती है, कह रहे मेरी लाइफ भी तो इस लहर की जैसी है, आई और गई, आई और गई, मैं क्या पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं, अगर मैं कुछ भी पकड़ने की कोशिश ना करूं तो मेरी लाइफ में क्या कमी है? कोई कमी नहीं है। तो आप क्या हो गए, एक सेकंड में खुश हो गए ना, अब इस खुशी से एक्ट करो। अभी हम खुश होने के लिए एक्ट कर रहे हैं, खुश होने के लिए रिलेशनशिप में जा रहे हैं, खुश होने के लिए काम करने का सोच रहे हैं। पहले खुश हो जाओ, फिर अगर रिलेशनशिप में जाना है तो जाओ, नहीं जाना है तो मत जाओ, शादी करनी है करो, करने के बाद तलाक करना है कर दो, Why not? समझे, लेकिन खुशी खुशी करो ना। लोग खुशी के लिए कर रहे हैं, जो शादी कर रहा है वो भी खुशी के लिए कर रहा है, और जो तलाक कर रहा है वो भी खुशी के लिए कर रहा है, दोनों को गलतफहमी है।
दोनों बेवकूफ है। तो कुछ करना भी प्रॉब्लम है, नहीं करना भी प्रॉब्लम है, दोनों तरफ से प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम निकालना चाहते हैं किससे, या तो कुछ करके या कुछ छोड़ करके। तो अगर आपके लिए कुछ ना करना भी सही है, दैट मीन्स यू आर ओके विद दिस मूवमेंट, वॉट एवर इज देयर यू आर ओके विद दिस। अब चाहे आप रिलेशनशिप में जाओ चाहे ना जाओ, चाहे काम करो चाहे ना करो, दोनों तरफ से मजा आने वाला है। वहां से कुछ एक नई शुरुआत होगी, जिसको आप प्यार कहो, खुशी कहो, सेटिस्फैक्शन कहो। मतलब यू आर एक्टिंग आउट ऑफ लव, नॉट टू गेट लव।